खोलो पट खोलो जी मेरे श्याम भणेगा, खोलो पट खोलो जी मेरे। देखो आप तो चाय पी रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ाओ। खोलो पट खोलो जी मेरे। वो तो बोल रही है लेकिन आपकी अभी तक आवाज नहीं आई है। चाय पीने में लगे हो। अच्छा एक बार आप सब गाएं जो बालकोनी में बैठे हैं, बालकोनी में जितने बैठे हैं सभी गाएं। खोलो पट खोलो जी। देखो क्योंकि जो करेगा सेवा उसको ही मिलेगी, जो नहीं करेगा सेवा उसको नहीं मिलेगी। हम गा रहे तो फल हमको मिलेगा और आप गाओगे चाय चाय आपको मिलेगा। चाय चाय पहले ना चाय पिलाओ मुझे, से प्यास है चाय की। नहीं वो तो पीते रहेंगे उनका काम है। आइए सभी गाओ। खोलो पट खोलो जी मेरे, खोलो पट खोलो जी मेरे। अच्छा ये बताना वाकई में बाबा ने बुलाया सबको? जिनको बाबा ने बुलाया है वो हाथ उठाएं, जिनको बुलाया है बाबा ने। तो मुझे अब जरूरत नहीं है कहने की कि आप खड़े हो जाओ, मुझे जरूरत नहीं होगी क्योंकि बाबा ने सबको बुलाया है तो अपने आप सब हाजिरी लगाएंगे। इधर सुनो, बाबा ने बुलाया है तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है कि खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर ही खड़े होके बाबा को बुला रहे हैं और दरबार में झूमते हुए बाबा को मना रहे हैं। 1 2 3 4
में नौकरी मिल जाए। कौन कौन चाहता है? सब चाहते हो तो खड़े हो जाओ, जो चाहते हैं वो खड़े हो जाओ जल्दी से। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैंने पहले बताया था। खड़े हैं क्या? जो नहीं खड़े तो वो खड़े हो जाओ। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, रात को जागने के लिए दिन में सोना पड़ता है। खड़े हो जाओ। और पापा की नौकरी चाहिए तो खड़े हो जाओ। इतना कहलवा रहे हो, अभी तो किसी ने नहीं ज्यादा कहलवाया था, पहले सबकी हाजिरी हो गई है ना। हाँ तो खड़े हो जाओ दोबारा से हाजिरी, क्योंकि पापा को अपने बच्चे नाचते हुए खेलते हुए अच्छे लगते हैं, हंसते हुए। तो जल्दी से खड़े हो जाओ जिनको नौकरी चाहिए। चरणों में